सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पीडीआर पाली को और नए नए अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पीडीआर पाली में स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास में ये वैगनआर आई है जिसकी आप लाइट देख सकते हैं पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। इसका आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से हम आपको चेक करा देते हैं। कई भाई के कमेंट्स थे कि हमारी जो लाइटें ख़राब हो जाती है उसको किस प्रकार से ठीक किया जाता है, ये ठीक होगी या नहीं होगी, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से ठीक होगी। और कई भाई के कमेंट्स थे कि हमारे जो वीडियो में हम देखते हैं कि कोलगेट और इससे नींबू से ये साफ़ हो जाती है, तो हम आपको बता देते हैं कि नहीं साफ़ होती। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1000 नंबर का जो पेपर होता है उससे हम स्क्रब करेंगे। और कई बाइक के कमेंट्स थे कि ये लाइटें जो ख़राब हो जाती हैं उसको चेंज नहीं करना चाहिए, तो हम आपको दिखा देते हैं कि इसको चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिसकी रात में चलते समय लाइट कम पड़ती हो या रोशनी कम होती है, तो रोशनी कम होने के कारण ही यही होता है कि अगर आपकी गाड़ी की लाइटें येलो या ब्लैक हो चुकी हैं तो आपको लाइट को रिपेयर करवा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ। जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, तो आपके सामने लाइव इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको लाइट चेंज कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसको आप हम जो स्टेप बाय स्टेप होता है वो स्टेप सारे स्टेप हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे किस प्रकार से लाइट को चेंज नहीं करना चाहिए और उसको ही रिपेयर कर सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ से हम इसको अच्छे से स्क्रब कर लेते हैं, उसके बाद का स्टेप दूसरा स्टेप क्या रहता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हम जब भी वीडियो लेके आए आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले पूरे स्टेप बाय स्टेप इसका जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाएंगे कि बिफ़ोर और आफ्टर में कितना फ़र्क है, वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो देखिए इसकी दोनों ही लाइटें ख़राब हो चुकी हैं, तो दोनों को ही हम स्क्रब कर लेते हैं। फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं कि 1500 नंबर वाला पेपर हम लेंगे, दूसरा स्टेप ये है। और तीसरा स्टेप जो हम लास्ट में दिखाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए ताकि आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन मिले वो प्रॉपर मिले, नहीं तो क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिल पाती जिसके कारण आपको वीडियो देखने में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है। तो देखिए कि हमने स्टेप बाय स्टेप आपको यही दिखा रहे हैं कि जो प्रोसेस होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट देख लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाए। तो देखिए यहाँ से हमने जैसे 1500 नंबर वाला पेपर हमने यूज़ किया है, तो देखिए ये लाइट पूरी तरीके से एक नई का जो ग्लो होना चाहिए वो नई द्वारा आ रहा है, जिसे 80% वापस आ चुका है। तो हम इसको 99.9% इसका वापस लाएंगे। तो इसका पूरा करने के लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो हम आपको इसी प्रकार से दिखा रहे हैं कि आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से मिले। तो देखिए यहाँ से हमने जो 1500 नंबर वाला पेपर लगाया था उसमें आप देख सकते हैं इसका जो शाइन जो था अंदर का वो क्लियरली नज़र आने लग गया है, लाइट पूरी तरीके से साफ़ हो चुकी है। और तीसरा स्टेप ये है कि हमने इस पर रबिंग पॉलिश ऐड की, उसका नाम भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो अब क्या है कि एक पहले आपको चेक करा देते हैं कि किस तरीके से लाइट नज़र आ रही है। तो ये देखिए तीसरा स्टेप ये है कि हम इस पर मशीन द्वारा स्क्रब करेंगे। आप अगर मशीन द्वारा नहीं कर सकते तो आप कपड़े में भी लगा के इसको स्क्रब कर सकते हैं, उससे भी लाइट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए जैसे ही हमने इस पर मशीन को लगाना ऐड किया तो आप देख सकते हैं एक अंदर से पूरी लाइट एकदम न्यू ब्रांड टाइप नज़र आ रही है, जो पहले किस प्रकार से थी और अब किस प्रकार से नज़र आ रही है वो देख लीजिए आप। पूरी जो नई होती है लाइट प्रॉपर वो पूरी एक नई तरीके से बाहर आ चुकी है, जिसका जो कलर मैट जो ख़राब था वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी, लाइट भी एकदम से नई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इस पर मशीन द्वारा लगाया तो ये पूरी तरीके से नई टाइप नज़र आ रही है और ये लाइट बिल्कुल नई हो चुकी है, आपको चेंज कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और जब भी आप रात में गाड़ी चलाएंगे तो जो लाइट का जो फॉक्स होता है वो पूरा प्रॉपर नज़र आएगा आपको। तो देख लीजिए कि यहाँ से हमने स्क्रब करना जैसे ही शुरू किया है पूरी तरीके से नहीं हो चुकी। अब दूसरी वाली जो लाइट है हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे भी हमने स्क्रब कर लिया है। अब इस पर हम मशीन द्वारा ही इसमें इस लगा के दिखाएंगे आपको। तो पहले एक लाइट कर लेते हैं, उसी प्रकार से दूसरी लाइट भी उसी प्रकार से ठीक की जाएगी। तो देखिए यहाँ से हमने पूरी तरीके से इसको अच्छे से स्क्रब कर लिया और इसकी जो पॉलिश की जो बात की जाए, ये रबिंग पॉलिश आप देख सकते हैं एट फोर्स की है। ये बहुत ही अच्छी है, 3M वाली भी आती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक बार और लगा लेते हैं जिसमें छोटे छोटे बड़े जो भी स्पॉट्स होते हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए और लाइट हमारी एकदम नई हो जाए। तो देखिए कि दोबारा हम लगाने के बाद में इस पर वापस से मशीन फेरेंगे, तो ये मशीन को अप्लाई कर दिया है हमने।
तो यहाँ से देखिए जहाँ जहाँ पे मशीन पूरी तरीके से फिर रही है, पूरी एकदम नई लाइट नज़र आ रही है अंदर से। और एक मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब भी आप गाड़ी रात के समय जब चलाते हैं तो लाइट की जो रोशनी होती है वो कम क्यों हो जाती है, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जब भी आपकी गाड़ी में अगर लाइट साफ़ हो और उसमें रोशनी नहीं है तो ओसाराम जर्मनी के बल्ब आते हैं 100-130 नंबर के, आप उसमें वो लगवा के उसमें हेडलाइट कटआउट ऐड कर लीजिए, आपकी रोशनी इतनी अच्छी हो जाएगी गाड़ी की कि आपको ये जो होते हैं बार बार बल्ब उड़ना वगैरह ये सब की समस्या मिट जाएगी। क्यों? हेडलाइट कटआउट का जो काम होता है वो एडजस्टेड होता है, जिसमें क्या होता है कि जितनी जैसे ही अपनों ने किसी गाड़ी को देख के डिपर देते हैं तो क्या होता है एकदम से जो करंट आता है जिसको वो बल्ब उड़ा देती है। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि इसमें हेडलाइट कटआउट लगा लीजिए, ओसाराम जर्मनी 130 के बल्ब लगा लीजिए ताकि आपको जब भी लाइट चलाते समय अच्छे से रहे। देखिए इसका डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ से ऊपर जैसे ही मशीन स्क्रब की तो ये ऊपर से नई जैसे नज़र आ रही है और नीचे से डल नज़र आ रही है। हम आपको वापस से चेक करा देते हैं तो देखिए यहाँ से ये बिफोर ये आफ्टर का आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से नीचे से ख़राब हो चुकी है लाइट और ऊपर से एकदम नई आ चुकी है। तो इसको दोनों ही लाइट को हम पूरा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने इस पर मशीन का अप्लाई की इसकी लाइट की जो आप ग्लोनेस देख सकते हैं कि जो प्रॉपर जो नई रहती है एकदम नई हो चुकी है। अब आपको इसको चेंज कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और एक चौथा जो स्टेप होता है वो क्या होता है हम आपको लास्ट में इसी वीडियो में दिखाएंगे कि किस प्रकार से वो किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है वो लाइट जल्दी से वापस ख़राब नहीं होती है। तो ये देखिए ये भी लाइट पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, एकदम नई टाइप हो चुकी है, जो पहले ख़राब थी वो भी अच्छे से हो चुकी है। हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे जो लाइनेस देख लीजिए कि इसकी जो शाइनिंग है वो प्रॉपर नज़र आ रही है, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं वो भी पूरा नज़र आ रहा है अंदर से। और यहाँ से अंदर की जो क्रोम रहती है वो भी प्रॉपर नज़र आ रही है। और ये चौथा स्टेप हम आपको दिखा देते हैं, ये फोर्स की है, ये इस पर पॉलिश और लगा लेते हैं हम ताकि ये चिकनास रहे, तो जिसके कारण क्या होता है कि ज़्यादा जल्दी से लाइट वापस ख़राब नहीं होती है। तो ये फेर के 5 मिनट बाद में इसमें वापस से आप कपड़ा लगा लीजिए या फिर मशीन फेर लीजिए तो ये अच्छे से प्रॉपर कंप्लीट रहे। तो हम आपका ये जो डिफरेंस वाला एरिया है वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि पहले किस प्रकार से नज़र आ रही थी और अब किस प्रकार से नज़र आ रही, क्योंकि ये जो लाइट है अब एकदम नई हो चुकी है तो इसमें क्या है कि आपको डिफरेंस बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो हम इसका डिफरेंस का भी हम आपको इस वीडियो में क्लियर कर लेते हैं कि देखिए किस प्रकार से ये थी और किस प्रकार से ये अभी हो चुकी। तो आप देख सकते हैं छोटे वाले जो वीडियो में इसका बिफोर और आफ्टर देख सकते हैं, ये जो राइट साइड की लाइट का जो हमने वीडियो बनाया था अब बिफोर और आफ्टर में आप देख लीजिए कितना फ़र्क है। यहाँ से पूरी येलो हो चुकी है छोटे वाले वीडियो में और यहाँ से पूरी एकदम नई आ चुकी है लाइट। तो ये प्रोसेस हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। जो भाई के कमेंट्स थे कि लाइट को नया चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं, तो हम आपको दिखा देते हैं कि लाइट चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये पूरी तरीके से जेन्युइन ही तरीके से नई हो चुकी है लाइट। अब आपको चेंज कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको पता चलना चाहिए गाड़ी का कार्य किस प्रकार से होता है और क्या क्या चीज़ रिपेयर हो जाती है, क्या क्या चीज़ चेंज करने की होती है और क्या नहीं करनी चाहिए, वो भी हम आपको हर एक वीडियो में आपको दिखा देते हैं। तो PDR पाली के नाम से हमारा जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि जब भी हम वीडियो ले गए आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका जो डिफरेंस है ये पूरी तरीके से हमने आपको दिखा दिया है, लाइट पूरी तरीके से ख़राब थी वो पूरी तरीके से नहीं हो चुकी है। और वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए और दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो देखने के लिए।